सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी, मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे भाई है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को कैसे सर प्रिपेयर करते हैं? आपने सर सॉल्ट की क्लासिफिकेशन, सॉल्ट का नॉमेनक्लेचर, एक्स वाई जेड सॉल्ट का बता रखा, लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि सर सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम लोग सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। मैं लगभग आपको कुछ मैथड्स बताने वाला हूं जो आपको आना अति आवश्यक है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली बात सर, आप कैसे सॉल्ट्स को बनाएंगे, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझो। सबसे पहला कि भाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का, एलिमेंट को डायरेक्ट कंबाइन करके एक तरीका है कि हम लोग एलिमेंट्स को डायरेक्ट कंबाइन करो सॉल्ट बना लो, एलिमेंट्स को कंबाइन करो सॉल्ट बना लो। मेरे भाई मेथड का नाम है ये, मेथड का नाम है कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट बाय हीटिंग। बाय हीटिंग मतलब समझ लो, हम लोग ना एलिमेंट्स को डायरेक्ट कंबाइन करने वाले। सर कौन कौन से एलिमेंट को आप कंबाइन करेंगे? मैं आयरन को और क्लोरीन को, अगर मैं मेरे भाई मैं आयरन में क्लोरीन गैस पास करा रहा हूं, दैट मीन्स Fe+Cl2। अगर आयरन और क्लोरीन ये दोनों एटम है, दोनों एलिमेंट है कि नहीं, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, अगर ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाए मेरे भाई, तो आपको एक सॉल्ट मिल सकता है। बहुत इजी वे है ये, बहुत इजी वे है। मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूँ, मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कंबिनेशन कराइए एलिमेंट्स का, आपको सॉल्ट मिलेगा। आप किसी अब ऐसा काम ना कर देना कि मतलब ऐसे ऐसे एलिमेंट को कंबाइन कराने जो पॉसिबल ही ना हो। ये सब चीज़ का ध्यान रखना मेरे भाई, ये सब चीज़ का ध्यान रखना कि मेटल दैट मीन्स वो आयनिक कंपाउंड हो, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज उस पर लागू करें। ऐसी चीज़ें आप लोग अपने दिमाग को सेट करके करना, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो बन जाएगा। दो सर ने तो बोला था कि दो एलिमेंट ही तो मिलाना है, कुछ भी मिला दो, है ना, Na मिला दो, Mg मिला दो, सर एक सॉल्ट Na Mg से एक सॉल्ट बनेगा क्या सर? अरे लगेगा अभी, समझ रहे हो भाई? तो मेरी बात को समझो, मतलब ऐसे लोगों को मिलाना जिससे पॉसिबल हो, जो जो सॉल्ट बनते हैं वाकई में, जो जो सॉल्ट में जो लोग पाए जाते हैं वो लोग बनाना। ऐसे नहीं कि कुछ भी मतलब कोई भी 108 उठाए दो लो सॉल्ट, लो सॉल्ट, लो सॉल्ट, दो टो मिला सॉल्ट सॉल्ट, ऐसे नहीं करना मेरे भाई। मेरे को मैं आपको शॉर्ट में इस चीज़ को लिख रहा हूँ, आपको समझना इज्जत से पड़ेगा माइंड के अंदर तक, है ना। तो चीज़ों को समझो, मतलब डायरेक्ट कम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का। मतलब मैंने एक एफ और एक सुटेबल एग्जाम्पल लिया है, मैंने सुटेबल एग्जाम्पल आपके लिए भी एक एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है अभी चेकआउट हो जाएगा। अगर ये पॉइंट्स अगर आपको समझ में आए तो एक एग्जाम्पल डालो, मैं बताता हूँ किस तरीके का। कमेंट बॉक्स में डालो अभी जाओ तो, अभी मैं आपको वहाँ पे जिस पे मैं हर्ट दूंगा ना वो समझना राइट होगा, और जिस पे मैं बताऊंगा अभी उसमें लिख भी दूंगा रॉन्ग है कि राइट है, आप लोग कुछ लिख के उसमें सेंड करो, मैं बताता हूँ ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आप भी करो, मजा आ जाएगा ठीक है। सर सेकंड मेथड क्या है? बाय सिंपल डिस्प्लेसमेंट। देखो बहुत आसानी से, मतलब हम डिस्प्लेसमेंट करा भी सकते हैं। अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट ना बोल के एक और इसका नाम बोला जा सकता है, एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स। मतलब मेटल्स के ऊपर अगर एसिड का रिएक्शन, मतलब एसिड का रिएक्शन अगर सर आप मेटल से करा देंगे तो भी आप सॉल्ट बना सकते हैं, समझ रहे हो? दैट मीन्स एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, दैट मीन्स मेटल रिएक्ट, ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई सर। सर आपने तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था एसिड वाले में कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड देन फॉर्म दिस एंड दिस, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही चीज़ यहाँ पे, मतलब दो तरीके से हम बोल सकते हैं, या तो बोल दीजिए सिंपल डिस्प्लेसमेंट से आप सॉल्ट बना सकते हो, या तो ये बात आपको बहुत पहले पता है, कई सौ साल पहले मैंने आपको ये बात बताया था, कई सौ साल पहले मैंने आपको ये बात बताया था, एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स, ऑन मेटल्स, मेटल के ऊपर एसिड का रिएक्शन कैसे हो रहा है। मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, सपोज करिए कि मेटल है, इसके ऊपर अगर एसिड का रिएक्शन करा दे मेरे भाई तो क्या होगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये रहा मेरे भाई मेटल, ये रहा मेरे भाई HCl, कोई भी एसिड है, मैं आपको एक एग्जांपल लिख लिया हूँ, बाकी आप एग्जांपल खुद बताइएगा ठीक है। एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल, ये देखो मेटल के ऊपर एसिड का रिएक्शन, मतलब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, Fe का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रहेंगे, देन आफ्टर हम लोग को भी सॉल्ट मिलेगा। याद आ रहा है कि नहीं यार? वहां पे मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, जरा जाके देखो प्रॉपर्टीज में, ये प्रॉपर्टी बहुत पहले पढ़ चुका आपने, कई सौ साल पहले ये चीजें मैंने आपको पढ़ा रखा है ठीक है, सीरियस मत हो जाना कई सौ साल को लेके ठीक है। चलो देखो, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए या तो डायरेक्ट बोल दीजिए, एक्शन ऑफ क्या बोलोगे मेरे भाई, एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स, एसिड ऑन मेटल, मेटल के ऊपर, मेटल के साथ अगर मैं एसिड का रिएक्शन कराऊं देन वी विल गेट सॉल्ट। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है? यस सर।
सर एक एग्जांपल इसका भी मुझे आपसे चाहिए, मैं आपसे एक एग्जांपल और चाहता हूँ। मैंने ये टॉपिक मैंने कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया है, तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं एक एग्जांपल आपसे दूँ। इसका एग्जांपल मुझे और दो, ठीक है? आप टू कर देना, मैं समझ जाऊँगा कि ये मैं अब सेकेंड मैथड का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? थर्ड मैथड का भी एक एग्जाम्पल आपसे मांगूँ तो थ्री करके एक मैथड दे देना, समझ में आ गया? वन लिख के वो लिखना तो मैं समझ जाऊँगा मैथड वन का एग्जाम्पल आया मेरे पास, टू लिख के लिखना मैं समझ जाऊँगा मैथड टू का आया, समझ में आ रहा? चलो, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। सर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपने तो बहुत बार बताया, ये भी सर आपने कहीं ना कहीं बताया है, ये भी बात आपने कहीं ना कहीं तो जरूर बताई है कि रिएक्शन विथ, याद करो भाई मेरे ये प्रॉपर्टीज है, मेरे भाई ये एक प्रॉपर्टी है, वन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बन, याद करो, दिमाग पे जोर डालो, ये भी कई सौ साल पहले ये भी हम लोग पढ़े, ये भी चीज़ें कई सौ साल पढ़ा किसी ना किसी लेक्चर में, क्योंकि मैं इतने दूर तक आ चुका हूँ ना, इतने दूर लेक्चर तक आ चुका हूँ और पीछे लेक्चर में बहुत पीछे है, जाते रहो, है ना? तो मेरे भाई ये भी बात आपको बहुत पहले से पता, बट एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं चीज़ों को। सर आपने बोला कि मेटल कार्बोनेट, यस, CuCO3, दैट मीन्स कॉपर कार्बोनेट है ये, कॉपर कार्बोनेट है ये, और कॉपर कार्बोनेट मेरे भाई एक मेटल कार्बोनेट ही तो है, ये मेटल कार्बोनेट ही तो है, और ये देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट मीन्स मेटल बाई कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो चाहे सोडियम बाई कार्बोनेट बोलो, बात एक ही है, ठीक है? एक ही है बात, कॉपर कार्बोनेट, दैट मीन्स कॉपर कार्बोनेट मेटल एक कार्बोनेट, यस सर, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट मीन्स मेटल बाई कार्बोनेट, ठीक है सर। अगर मैं एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से बताऊं, सॉरी यार ध्यान से देखो, अगर मैं मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराऊं, या तो मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराऊं, तो हमें एक बात तो पता ही कि सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है, ये बात तो आपको हम लोग को पता है, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है, ये प्रोडक्ट हमें कई सौ साल पहले से ही पता है, ठीक है? तो सर आपने H2CO2 तो निकाल ही दिया, जो बचा ना सर वही तो सॉल्ट है, कॉपर क्लोराइड एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, मतलब सर आप सॉल्ट के प्रिपरेशन पढ़ा रहे हो, जरा तीन प्रिपरेशन जो जो आपने पढ़ाया बता दो, एक प्रिपरेशन की आप डायरेक्ट मेथड करा लो, ठीक है? एक प्रिपरेशन का नाम ये है कि आप डायरेक्ट एलिमेंट्स को डायरेक्ट करा लो, यस। एक क्या करो कि मेटल्स का मेटल को और मतलब एसिड का रिएक्शन करा लो, यस। दूसरा क्या करा लोगे डिकम्पोजिशन करा दो मेटल कार्बोनेट का या मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे, हो जाएगा डिकम्पोजिशन को भी आपको, कुछ चीज़ें आपको पहले से भी पता, इसको नोट करो, एक स्लाइड और बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है? अभी प्रिपरेशन खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, और प्रिपरेशन देखो, अभी यही नहीं, अभी और देखो। आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगा दिया, बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं इस स्लाइड में। देखो उस बार हमने 3 प्रिपरेशन पढ़ा था मेरे भाई, इस बार हम लोग 5 प्रिपरेशन की क्लास इस लेक्चर में लाए हैं, इस स्लाइड में मेरे भाई 5 और प्रिपरेशन जानेंगे कि आप किस तरीके से सॉल्ट को बना सकते हैं। नियर अबाउट मैं आपको मिला जुला के 8 मैथड बता रहा हूँ कि सॉल्ट को आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हैं, बस उस चीज़ को मिक्सअप, मतलब आपको वहाँ पे पता था वो चीज़ें यहाँ पे भी चल जाएंगी, इसलिए मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, आप जरा ध्यान दो। फोर्थ आपको पहले से पता है, फोर्थ मैथड है ना मेरे भाई, सॉल्ट का मैथड बता रहा हूँ कि कैसे, हाउ टू मेक सॉल्ट, हाउ टू प्रिपेयर सॉल्ट, कैसे सॉल्ट को मेरे भाई प्रिपेयर कर सकते हैं अपन लोग, सॉल्ट को अपन लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट मेरे भाई आपको ये बात तो पता होगा ना, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, क्या ये नहीं पता आपको, क्या झूठ बोल रहे हो, है ना? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस तो पता ही होगा सर, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो वीक बेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो या वीक हो, कुछ भी चीज़ें हो, मतलब बेस अगर एसिड के साथ रिएक्शन, बट ध्यान रखना कि दोनों स्ट्रॉन्ग ना हो, न्यूट्रल बन जाएगा वो, ठीक है? न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाएगी, ठीक है? उस चीज़ की बात नहीं कर रहा है मैं यहाँ पे, लेकिन अगर सॉल्ट बनाना है तो मैं न्यूट्रलाइजेशन की मेथड से बना सकता हूँ कि नहीं, आँखों में आँखें डाल के बोलो, बन सकता है कि नहीं? यस सर, बन सकता है, अगर हम चाहें तो एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन करा के बना सकते हैं। सर कैसे बना सकते हैं, मेरे पास एक एग्जांपल है, नाइट्रिक एसिड है मेरे भाई, मेरे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
मेरे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेरे पास एक एसिड है नाइट्रिक एसिड, अगर दोनों का रिएक्शन हो जाए, एसिड एंड बेस का रिएक्शन हो जाए मेरे भाई, तो क्या मिलेगा? एसिड और बेस का रिएक्शन मेरे भाई, तो सॉल्ट मिल जाएगा अपन लोग को, सॉल्ट मिल जाएगा एंड वाटर। अच्छा सर कौन सा सॉल्ट? यहाँ पे देखो एच पॉजिटिव एनओ थ्री नेगेटिव, एनए पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, दैट मीन्स एच पॉजिटिव एसिड का ओ एच नेगेटिव बेस का वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे भाई? वाटर बनाएगा, और एनए पॉजिटिव और एनए एनओ थ्री मिलके मना एनए एनओ NaNO3 जो है वो मेरा सॉल्ट बन जाएगा, दैट मीन सोडियम नाइट्रेट, दैट मीन सोडियम नाइट्रेट। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैं एग्जांपल चेंज भले कर दिया यहाँ पे, लेकिन टॉप सिस्टम तो वही वाला है। मतलब एक एग्जांपल आप ना, आप एक एग्जांपल फोर लिखेंगे और एक एग्जांपल डालेंगे, और ये मेरे भाई सॉल्ट बना कि नहीं बना, मेरा टारगेट क्या था कि सॉल्ट को प्रिपेयर कराना है। मैं न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट बना सकता हूँ कि नहीं सकता हूं? हाँ या ना? यस सर, आप न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, और करी दिया आपने, छोड़ा ही कहाँ? ठीक है, आपने करी तो दिया, छोड़ा ही कहाँ आपने? ठीक है, तो सॉल्ट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से। ठीक है, यस, आप एसिड और बेस का रिएक्शन करा के सॉल्ट बनाइए, हमारा सॉल्ट तैयार है। एक एग्जाम्पल आपसे मैं एक एग्जाम्पल चाहता हूँ कि एक एसिड फोर्थ नंबर डालना, ऐसे लिखना फोर, ठीक है, डैश कर देना, एक एसिड एक बेस। ये एग्जाम्पल मत कॉपी कर लेना यार, ठीक है, ये एग्जाम्पल मत कॉपी कर लेना, कोई एक एग्जाम्पल ले लो अच्छा खासा, एक एसिड और बेस का फटाफट करो। वीडियो बहुत बड़ी ना हो इसलिए हम लोग चीज़ों को बस एक्सप्लेनेशन पे, पूरी मेरी कॉन्सेप्ट बस एक्सप्लेनेशन पे ही जाती है, पूरा एक्सप्लेनेशन पे। ये सब चीज़ें आखिर लिखूंगा फिर मैं वही HNO3 प्लस NaOH प्लस N, तो चीज़ें वही लिखना है, तो उससे अच्छा पहले से आपको बस एक्सप्लेन कर दो, समझना है। चलो सर, सेकेंड मेथड बाई एक्शन ऑफ मेटल ऑन एल्कलीज। अच्छा, मेटल का रिएक्शन मतलब मेरे भाई एल्कलीज के साथ कराने वाले हैं। एल्कलीज का मतलब मेरे भाई, एल्कलीज का मतलब ये होता है कि बेस डिसॉल्व इन वाटर, द बेस विच सोल्यूबल इन वाटर, जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं मेरे भाई, उसी को तो अपन लोग एल्कलीज बोलते हैं। यस सर, एल्कलीज उसी को बोलते हैं। तो हम क्यों ना रिएक्शन करा दें मेटल का एल्कलीज के साथ, क्यों ना करा दें मेटल का एल्कलीज के साथ, तो कराइए ना सर, क्यों देरी कर रहे हैं। ये रहा मेरे भाई एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है कि नहीं है? यस सर। सर ये क्या है, मेटल है कि नहीं है? वो सामने वाला खुद बोल रहा है कि मेरे भाई मेटल और एल्कलीज का रिएक्शन करा लो, ये ले लो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, दिस इज योर सॉल्ट। ये सॉल्ट है NaAlO2 मेरे भाई, एक सॉल्ट है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बना कि नहीं बना? हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा, उसकी बात ही नहीं कर रहा, हमें सॉल्ट बनाना है यार। सॉल्ट का प्रिपरेशन का ये एक मेथड है, सॉल्ट प्रिपरेशन का ये एक मेथड है कि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं मेरे भाई, एल्कलीज का मेटल के साथ रिएक्शन करा के हम लोग सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। यस सर, नेक्स्ट मेथड का नाम है बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको ये बात तो पता ही होगा प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज जो होती हैं आपको मिलती हैं कि नहीं, ये देखो अगर इसका डिटेल जानना है प्रेसिपिटेशन का, तो मेरे ना चैप्टर वन का लेक्चर में चले जाओ, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में चले जाओ, उसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक की बात की है। ठीक है, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहाँ पे एक वीडियोस प्रेसिपिटेशन के नाम कर दिया मैंने, एक वीडियो मैंने प्रेसिपिटेशन के नाम कर दिया। अब मैं ये नहीं चाहता कि वहाँ की चीज़ें यहाँ पर रिपीट करूँ, लेकिन मैं ये आपको सलाह जरूर दे रहा हूँ कि आपको इसकी डिटेल पढ़ने के लिए, इसकी कुंडली खोलने के लिए जाना पड़ेगा। कहाँ पे? वहाँ पे। कहाँ पे? वहाँ पे मतलब अपने घर पे ही रहना, मोबाइल में जाओ, अंदर अंदर मेरे लेक्चर्स में जाओ, चैप्टर वन के प्लेलिस्ट को खोलो, उसमें देखो वो लिखा होगा आपका प्रेसिपिटेशन। बट यहाँ पे चीज़ों को समझा देता हूँ स्लोली स्लोली स्लोली। ये देखो प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी मिला, इन सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज होती है। जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ होगा ना, मेरे सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन किए होंगे ना, तो सिल्वर क्लोराइड, देखो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन किए होंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी बना होगा, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ होगा, एक सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल ये मिला होगा हमें। ठीक है, और जो रहा होगा वो नाइट्रिक एसिड, लेकिन इसकी ज़रूरत थोड़ी है मेरे को, तो सोल्ट मरा रहा है। ठीक है, कहने का मेरे मतलब ये है कि बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की मदद से भी आप सोल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। कर दिया मैंने, बना दिया, छोड़ा ही कहा मैंने? ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड, सेवन मेथड, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। क्या बात कहा सर आपने, अगर एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड का अगर कंबाइन करा दिया जाए,
ठीक है, अगर हम लोग देख रहे हो आपके सामने SO2 एंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड है एंड मेरे भाई सल्फर डाइऑक्साइड है। इन दोनों में हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, इन दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं एक मेरे पास एसिडिक ऑक्साइड है और एक मेरे पास बेसिक ऑक्साइड है। अगर मैं एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों का अगर मैं क्या करूँ, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड का मैं क्या करूँ, अगर कॉम्बिनेशन करा दूं एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड का मैं कॉम्बिनेशन करा दूं मेरे भाई, देन वी विल ऑल्सो गेट सॉल्ट। मेरे भाई सॉल्ट मिला, कैल्शियम सल्फाइट मिल गया मुझे, ठीक है। वहां पे मैंने एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड से बनाया, दैट मीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड से मैंने बनाया, यस सर। नेक्स्ट है मेरे भाई डीकम्पोजिशन ऑफ वन सॉल्ट बाय अनदर, एक सॉल्ट का डीकम्पोजिशन दूसरे के द्वारा, दैट मीन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा। ये देखो लेड नाइट्रेट है और यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, लेड नाइट्रेट है और यहाँ पे सोडियम सल्फेट है मेरे भाई, इसने इसको डिकम्पोज करा दिया, दैट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये भी मैंने कई सौ साल पहले रिएक्शन पढ़ा है, ये वाला रिएक्शन भी अपन लोग कई सौ साल पहले पढ़े हैं, कई सौ साल पहले मैंने भी ये लास्ट वाला रिएक्शन आपको पढ़ाया है, ठीक है। पता है क्या पढ़ाया मैंने, डबल डिकम्पोजिशन के नाम से वहाँ पे पढ़ाया, डबल डिकम्पोजिशन बोल रहा हूँ यार, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए, मैं भी डबल डिकम्पोजिशन बोल रहा हूँ, वाह क्या बात का डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है ना। एक्चुअली रात हो गई ना काफ़ी, 1:00 हो रहा है इतने टाइम, ठीक है 12:39 हो रहा है, 12:39 इस वजह से माइंड थोड़ा अच्छा खासा रिलैक्स फील कर रहा है। रात में वीडियो बनते हैं, दिन में नहीं बना पाता मैं, है ना, दिन में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, रात में हम लोग जो होते हैं ऑनलाइन पे फोकस करते हैं, डे टाइम आप लोग पढ़ाते हैं, जो कि मेरा नियर अबाउट 12-13 बेल है, ठीक है, दिन के समय पढ़ाता हूँ और रात को अपना जो भी बन जाए 2-3 घंटे में वीडियोस काम, ज़्यादा नहीं क्योंकि सोना भी तो है, ठीक है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, 8 प्रिपरेशन का मेथड। ये डबल डिस्प्लेसमेंट की बात है मेरे भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़े थे ना, जिसमें दो सॉल्ट्स होते थे अपने आयंस का एक्सचेंज करते थे, बोलो अपने आयंस का अदला बदले, इसका पॉजिटिव वाला वो ले लेता था, उसका पॉजिटिव वाला वो ले लेता, इसका नेगेटिव वाला वो, ऐसा होता था कि नहीं होता था। वहाँ पर मैंने चिंटू मिंटू पिंकी की कहानी सुनाई थी, जाके देखो मजा आ जाएगा। डबल डिकम्पोजिशन में एक स्टोरी सुनाया हूँ, अगर किसी लोग ने सुना है तो किसकी स्टोरी मैंने सुना है चैट बॉक्स में डालो, मजा आ जाएगा, पता चल जाएगा कि आपने डिकम्पोजिशन देखा है कि नहीं, बहुत शानदार स्टोरी सुना है तो वहाँ पर, है ना। चलो लेड नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट है मेरे भाई, लेड नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट है, अगर ये रिएक्शन कर जाएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इसका ये पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव को लेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को, इसका पॉजिटिव लेड है और इसका नेगेटिव सल्फेट है, दैट मीन्स PbSO4 बन जाएगा। Pb की भी वैलेंसी 2 है, SO4 के नीचे भी -2, दोनों की वैलेंसी सिंपलेस्ट होने के बाद PbSO4 बन जाएगा। सोडियम इसका ये पॉजिटिव है और NO3 पे माइनस, ये नाइट्रेट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ, मैं पूरा डिटेल रिएक्शन नहीं कर रहा, मैं अपने टारगेट, मुझे बस सॉल्ट की बात करनी थी ना, तो मैं ज़्यादातर आपसे फिजूल की बात नहीं कर रहा, मैं सॉल्ट ही बनवा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं चीज़ों को बताने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि क्या होने वाला है। तो लेड नाइट्रेट एक सॉल्ट था, मतलब ये लोग डबल डिस्प्लेसमेंट होने से भी तो हमें मिल सकता है, वो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। आयंस का अदला बदली करके भी हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, वाकई में ये सॉल्ट प्रिपरेशन की एक मेथड है, ठीक है, सॉल्ट प्रिपरेशन का एक मेथड है। तो इसका एग्जांपल तो हज़ारों भरे पड़े हैं आपकी बुक में, है ना, आप लोग भी एक एग्जांपल ठोक दो ना, 8 लिखना 8 और उसके सामने एक एग्जांपल डालो, मैं समझ जाऊंगा, अगर राइट होगा तो हर्ट मिलेगा, हर्ट समझते हो, मैं अपना हर्ट दे दूंगा आपको, ठीक है, ये लीजिए ऐसे दे दूंगा आपको, अगर राइट होगा तो, रॉन्ग होगा तो फिर भाई रहने दो, जिंदा रहने दो मुझे। तो ये चीज़ों को आप एक एक करके एक एक एग्जांपल लिखो, राइट रहेगा तो मैं ज़रूर आपके आपका लाइक ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूँ आप लोग प्लीज़ जाके अभी हर एक मेथड के एक एक एग्जांपल डालो, मज़ा आ जाएगा देख के, सारे बच्चे देखें वाह सर वाह क्या आपने बात कहा, ठीक है। तो चलो अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।